बस पापा बहुत हो गया, वरना मैं भूल जाऊंगी मैं आपकी बेटी हूं और आप मेरे पिता हैं। मेरे होते हुए कट्टू से जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता, आप भी नहीं। माँ के जाने के बाद कट्टू को मैंने पाला, जब वो रात को रोती थी तो उसे मैं संभालती थी। कहाँ थे आप बताइए? जब उसे चोट लगती थी तो उसके जख्मों पे मरहम मैं लगाती थी। कहाँ थे आप बताइए? उसके आंसू पोछे मैंने। कृतिका को दुख में नहीं देख सकते मैं, उसका हर सुख दुख मैंने बांटा है, आपने नहीं समझे? आज तक कृतिका के लिए जो भी कुछ किया तूने किया, मैं तो कुछ भी नहीं हूं उसके। आज से मेरी कोई बेटी नहीं है, आज से मेरी दोनों बेटियां मर गई मेरे लिए। तू गजेंद्र गुप्ता की बेटी, तेरे लिए तो लोग नहीं लगा। वो देख, चार बड़े बड़े खानदान के लड़के, बड़े बड़े अमीर घर के लड़के, तेरे एक इशारे की बेटी है। तो जिससे बोलेगी उससे तेरी शादी कर, बता। पापा जी, ये सब सुनने से पहले मेरे कान क्यों नहीं फट गए? आप क्यों नहीं समझ रहे, तीन मेरा पति है ना। कृतिका आपकी बेटी का ससुराल है, कुछ तो लिहाज करिए। अच्छा, इसका ससुराल है, इस घर की बहू है चंद्रका मित्तल, बताएगा ये तेरी बहू है क्या? हाँ हाँ पापा जी, बताइए ना पापा को कि मैं आपके घर की बहू। पर ये कृतिका के लिए नर्क, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरा घर है। अब आपने एक भी शब्द और कहा ना तो आप मेरी बीवी से कहेंगे, अपनी बेटी से नहीं। अरे जो घर है घर में बहू से बदतमीजी से बोल रहा हूँ, तुमसे कहता हूँ मैं उसकी चीज समझा। कृतिका चल यहाँ से, नहीं तो आज के बाद तेरा मेरा रिश्ता खत्म। अरे पापा, वैसे भी ना एक बार शादी हो जाती है ना लड़की की, फिर उस लड़की का अपने पिता के साथ, पिता के घर के साथ सारा रिश्ता खत्म हो ही जाता है। आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो पापा? कृतिका मित्तल हूँ, कृतिका गुप्ता मर चुकी है पापा, शी इज डेड। कृतिका चल तू, बस पापा।